हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। राम राम जी। कैसे हैं आप ज़रूर मुझे बताना। आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ जा रही हूँ, तो हम लोग कहीं नहीं, बस दशहरा था। आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम मंदिर जा रहे थे जल चढ़ाने के लिए। सारा सामान मेरे पर्स में ही है, तो इस वजह पर्स को लेके इधर उधर घूमना पड़ता है। ये वाली साड़ी पहनी है दीदी ने, ये वाली पहनी है, और कैसे ब्लाउज सिलवाने के लिए डालना है, आप लोगों ने देखा, इस तरीके का ब्लाउज है। बहुत सारी साड़ियों पर मैच कर जाएगा। लाइट आ नहीं रही है, दो तीन वीडियो में यही एडिट कर रही हूँ तो लाइट आ गई है। यहाँ पे हमने पानी लिया है, नल से पानी लेके जल ले लिया है, और मंदिर जाके वापस आगे वो करेंगे। बाहर निकल के वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि ना उसमें आवाज़ आती है, रसोई में बैठ के करेंगे। तो यहाँ से हमने जल ले लिया, अब जाते हैं पूजा पाठ करने। यहाँ पे हमने मंदिर में पहले मंदिर की पूजा कर ली, फिर वहाँ पे मतलब हो पाए या नहीं हो पाए, वापस आके बहुत टाइम लग जाता है, दूर है मंदिर थोड़ा सा। ये देखिए हमारे सामने सास ससुर हैं, और यहाँ पे हम दो देवरानी जेठानी अपनी पूजा करने में लगे हुए हैं। अगर आपको वो उल्टा वाला हाथ दिखे ना, तो वो मतलब वीडियो में ना सीधी चीज़ें ना उल्टी दिखती है, तो आप बोले उल्टे हाथ से पूजा कर रहे हो। तो हम लोगों ने पूजा पाठ, सारा घर का काम, मतलब झाड़ू पोछा, खाने को छोड़ के झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है। सुबह मतलब अंधेरे से तैयारी में लगे, इन सारी तैयारी पूजा पाठ मतलब जो होता है ना, भाई साहब ने प्रसाद चढ़ा के सबको बांटा, मीठा वो होता है। और इन साड़ियों पता है क्या, थोड़ी सी ऐसे वो दाग लग जाते हैं, तो दशहरा वाले दिन सब कुछ ज़्यादा ही मतलब काम वाम हो जाता है, पूजा पाठ टाइम से करना, जल्दी उठना, तो इस वजह से। यहाँ पे मैं पूजा वूजा करके वहाँ से आ गई थी। बच्चों ने देखिए दो तीन बर्तन कर दिए थे, मैंने इनको साफ करके रख दिया, नहीं तो बाहर पड़े रहते ना, पता है कुत्ते उत्ते बर्तन उठा ले जाते, कपड़े उठा ले जाते हैं। कल मेरे ना कपड़े उठा ले गए, तो बोला अजीब सा लग रहा था, तो मैंने बोला तुरंत के तुरंत बर्तन है ये धो के अपने रख दो, क्योंकि पड़े रहेंगे इधर से, तो पता नहीं कहाँ फेंक दे और कैसे गया। तो फिर मैंने धो के रख दिए हैं, पूजा पाठ सारा हो ही गया, एक शांति मिल जाती है। फिर हम लोग आए तो मतलब लाइट आ गई थी, फिर हमने समर चलाई, समर चला के अपने कपड़े अपड़े जो भी हम लोग छोड़ गए थे वो ढेर, बच्चे देखिए खेलने में वंशिका। लगे हुए हैं। तो पूजा वूजा करके हम लोग आ गए, मंदिर गए थे पास में ही, दूर नहीं, मोबाइल नहीं ले गए थे क्योंकि बैटरी थी नहीं, और बहुत ज़्यादा। और दीदी तैयार हो रही हैं, कल दीदी की छोटी बनाई थी तो दीदी को पसंद नहीं, दीदी के बाल थोड़े से कम है ना, दीदी तैयार हो रही है, मैं तैयार हो गई। और धूप चार चार 5 बज गई, धूप इतनी सारी है। सोना देखे, सोना के लिए चल रहा, और सोना वंशिका लाली गए थे बुलौआ में, है ना दीदी, बुलौआ में भजन वो नहीं, किसी की शादी वगैरह थी ना दीदी, लड़का भाव लड़की, लड़का भाव लड़का हुआ था लड़की के। तो आप देख रहे हैं क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे। मैंने अपना वीडियो स्टार्ट कर लूं और जा रही हूँ अंदर, कपड़े आज लेट धोए थे हम लोगों ने, पर्स वहीं रखा है, बेड वेड समेटना है सारा, सो गए थे आके, थक गए थे, कपड़े भी लेट धोए थे तो। और मेरी देखो ये देखो कपड़े किस तरीके से पड़े, ये देखो ये देखो, अभी लाइट नहीं है, मेन चीज़ ये है लाइट नहीं है। मैं बड़ी दीदी के यहाँ जा रही थी, भाई साहब वो वाले घर पे ही रहते हैं ना, तो इस वजह से सोना उठ जाओ। और जा रहे हैं हम लोग भैंसों को पानी पिलाने, कल भी मैं सोच रही थी जाऊँगी फिर नहीं गई, आज जाऊँ क्योंकि हमारा नल से ही हो गया है, तो इस वजह से। चले दीदी, और दीदी पर अच्छी लग रही है ना साड़ी, और मैं सादा सिम आप लोग बोले ऐसे, मैं सादा सिंपल रह लेती, मेरी दीदी बहुत अच्छे से रहती है, और इनको मेकअप की जरूरत नहीं है, हम जैसों को मेकअप की जरूरत है, दीदी मेरी वैसे ही सुंदर है, देखो है दीदी, चूना लगा रही हैं, चूना लगा रही है दीदी, बहुत सुंदर है, ये इन चीज़ों की वो नहीं है, परी वही है भैया, भगवान सबको दे लगाने के लिए, क्या नहीं दीदी, खूब अच्छे से खूब लगाएं, खूब सजें संवरें, 16 श्रृंगार करें, चाहे वो सुंदर हो चाहे हम जैसा हो। कौआ देखो, चलो हम लोग जाते हैं, शाम का झाड़ू लगाएंगे और खाने पीने की देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है ना। ब्लाउज ये टाइट हो गया, इस वाले का सिलाने के लिए डाल दिया मैंने। तो हम दीदी यहाँ पे छत पे आके बैठ गए, थोड़ा ठंडा ठंडा था मौसम तो अच्छा लग रहा था। एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को, बताना चाह रही हूँ कल के लिए, कल जो भी हुआ उसके लिए आप लोगों को ब्लाउज पसंद नहीं आया, मैंने एक वीडियो डाला आप लोगों ने देखा, उस
के लिए। तो देखिए फिर से मैं वही कहूँगी, थोड़ा भाई साहब वगैरह ये सब देखते हैं तो इतने सारे नेगेटिव कमेंट आते हैं तो अच्छा नहीं लगता। फिर ना बाहर निकलो, मतलब मुंह दिखाने में भी शर्म आती है, मतलब सब ये सारे कमेंट जब लोग वक्त पढ़ते हैं तो अच्छा नहीं लगता। और मैंने उस वाली वीडियो में कहा है ऐसे ब्लाउज तो सभी पहन लेते हैं, हाँ गाँव में सभी पहनते हैं और शहर से ज़्यादा गाँव में अच्छे से लेडीजें रहती है। मैंने आपको दिखाया, दीदी को ही देख लीजिए, सभी ऐसा नहीं मैं ही और मेरा ब्लाउज यहाँ तो सबको पसंद आया, सब लोग बोल रहे थे मैं भी लूंगी ब्लाउज ये वाला मैं भी लूंगी, सभी लोग पसंद आया। पर बाहर जाते हो ना सभी लोग वही चीज़ टोक रहे थे, अरे ऐसे कमेंट आ रहे, मुंह दिखाने में बड़ी अजीब सा वो लग रहा था, शर्म सी लगती है ना, सास हो तो मतलब जवाब दे पाए, हम लोग हैं अंदर रहते हैं तो बहुत फर्क। देखिए एक सास बिना ससुराल बहुत अधूरा होता है, जैसे माँ बिना पीहर अधूरा वैसे सास बिना ससुराल अधूरा। दीदी मसाला पीस रही हैं, ये सोना को ले रखे हैं क्योंकि रो रही थी, तुम्हारी मम्मी नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मम्मी को गुजरे हुए, 3-4 साल हुए पर बहुत अलग सा लगता है, मतलब मम्मी होती तो हम लोग आते तो मतलब मम्मी पहले फ़ोन करती रहती थी कब आएगी प्रीति कब आएगी आ जाओ आ जाओ, अभी इतनी इतनी साले हो जाती, मम्मी होती तो इतनी इतनी साले थो ना हम लोग रुकते। तो सास के बिना सब अधूरा है, जैसे माँ के बिना पियर अधूरा है वैसे सास के बिना ससुराल अधूरा, बहुत अजीब सा लगता है थोड़ा सा भी। अभी आप लोग जैसे बोलते हो, बहुत सारे कमेंट हैं, बहुत सारे कमेंट मैं दीदी को पढ़ पढ़ के सुनाती रहती हूँ। देखो दीदी ऐसे ऐसा नहीं मैं बताती नहीं, मैं सब दीदी के साथ शेयर करती हूँ, बड़ी दीदी छोटी दीदी सबके साथ। यहाँ पे मैं भिंडी की सब्जी बना रही हूँ, भिंडी ख़राब हो जाती तो इस वजह से, और लाइट फिर से चली गई थी तो ये अंधेरे की वीडियो है। लोहे की कढ़ाई में सब्जी बहुत ज़्यादा अच्छे से बनती है, बहुत टेस्टी लगती है। ये मेरी भिंडी है, ख़राब हो जाती तो क्या फ़ायदा, तो मैंने बोला इनको बना लेती हूँ, आम डाल के भिंडी बना देती हूँ मैं, आप लोगों को पता ही है, और ये बहुत सभी को पसंद आती है। अब देखते हैं दीदी को पसंद आती है या नहीं। मैंने फटाफट से आम छील लिया, प्याज भूंज गया था उसमें मैंने भिंडी डाल दी है, बहुत सारी पकी भिंडी भी निकल गई है ख़राब। और ये देखिए मसाले कर दे रही हूँ, डिब्बे है नहीं आप लोगों को पता है तो आप लोगों को बता दूं डिब्बे नहीं है तो थैली में करके एक डब्बे में रख लिया, सारे मसाले ऐड कर दिए डब्बे में इस तरीके से, ये देखो सारे मसाले रख दिए जो समय पे मिल जाए, इधर उधर ना रहे, लाइट चल जाती ना तो अंधेरे में अंधे की जैसे इधर उधर ढूंढते रहो। नमक डाल दिया, इनको हिला दिया, इनको बनने दूंगी और दूसरे वाले उस पर उठा के सब्जी को रख दूंगी और मैं ना इस पर रोटियाँ सेक लूँगी फटाफट से, नमक थोड़ा ज़्यादा ना हो जाए इसलिए मैंने एक्स्ट्रा नमक था उस कटोरी में रख दी, यहाँ सारा समेट दी। ये आम था उसको बारीक बारीक काट दिया और गुठली भी इसी में डाल दूंगी, खट्टा आम नहीं था मीठा ही था तो इतना वो नहीं था, पर अच्छी मैं तो अमचूर होती है वो भी डाल दी। पता मेरे दांत खिसक रहे, जैसे ये दीदी कढ़ाई वगैरह रगड़ती है ना तो बड़े दांत खिसकते हैं। यहाँ पर मैं अपनी रोटियाँ बनाने लग गई हूँ, रोटियाँ फटाफट बना के गरम गरम, देखिए उधर मैंने सब्जी रख दी थी, गरम गरम रोटियों को पैक करके रख दूँगी, जब जिसको खाना है उस वो खा ले, क्योंकि गांव में तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं इतने वैसा रहता है, और लाइट पता है 4-5 बजे लाइट चली जाती है तो बहुत ये चीज़ें, पर ना गर्मी नहीं है गांव में, मेन चीज़ है अच्छा लगता है मुझे ये सारे काम करने वो करने वो अच्छे लगते हैं। और मैं फिर आप लोगों से बोलती हूँ कोई गलती हुआ करे, अगर मेरी गलती है तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में उसको ज़रूर सुधारूंगी, और अपनी छोटी या बड़ी समझ के माफ़ कर दिया करिए। आप लोग कल बोल रहे थे कि एक बात को खींचा मत करा करो, मैं खींचती नहीं, बस अब आप लोगों ने इतने सारे बोल किए तो आप लोगों को कहना भी तो ज़रूरी होता है, किसी बात को नहीं खींचती है तो आप लोग जानते हैं। फिर देखिए अब हर चीज़ की मैं हर किसी को पसंद आऊँ ऐसा तो हो नहीं सकता, और मैं सरगुण संपन्न तो है नहीं, बहुत सारी कमियाँ हैं मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ, मैं बहुत सारी गलतियाँ करती हूँ ये मुझे पता है। आप लोग देख को मैं हर वीडियो मतलब आप लोग बोलते एक बात को कितनी बार रिपीट करती हूँ, इसीलिए कि मेरी बात का कोई गलत मैसेज ना जाए गलत तरीका ना चला जाए, तो इस वजह से। देखिए रोटियाँ मतलब ना ये तेज़ चूल्हा जलता है तो एकदम से रोटी वैसी हो जाती है, कम करनी पड़ती, कम कर दो तो चूल्हा गर्म नहीं होता है। अब कल ना चूल्हे मैंने बोला दीदी से चूल्हा जलाएंगे चूल्हे पे रोटी करेंगे, ये देखिए हमारी भिंडी बनके हो गई है रेडी खाने के लिए। इन भिंडियों को लोहे की कढ़ाई में नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये रोटी काली पड़ जाएंगी, वहाँ पे गाय की रोटी वगैरह रखी है। और यहाँ पे वीडियो कुछ आगे पीछे हो गया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ना लाइट नहीं होती है ना तो कुछ समझ में नहीं आता कहाँ वीडियो बैठ के एडिट करें। तो सारा खाना पीना बन गया है, खाना पीना बन के देखो कैसा पड़ा है, क्योंकि लाइट नहीं, लाइट के बिना हो नहीं पा रहा तो इस वजह से। और कद्दू हमारा यूं ही का यूं ही रखा है, और दीदी उधर धो रही है बर्तन, वो देखो वो देखो दिख रही है, दीदी का भी ऐसा है। इस तरीके से हो जाता हमारा मतलब खाने का, अब वो
बहुत ज़्यादा सारे ढाक ढूक के रखा है, बस बर्तन धोने हैं और गैस साफ करनी, ये करना है बस। करेंगे थोड़ा सा, आज थोड़ा सा लेट हो गया था तो इस वजह से अब जाएंगे हम लोग, मैं बर्तन धोने के लिए। और थोड़ा सा ना लाइट नहीं आती, तो हमने कल ना नल पे से पानी लिया, 2 बाल्टी नल पे से पानी लेके आया, लाइट का नहीं। और समर मैंने बताया चोरी होगी तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, और कोई भी घर में नहीं है, कोई भी नहीं, पूरा घर ऐसे ही पड़ा। दीदी के घर चलते हैं, दीदी क्या कर रही है। ये दीदी के बर्तन साफ हुए हैं, यहाँ बहुत अच्छी है, यहाँ भी कोई नहीं है। और देखो यहाँ पे ना पोखर पे काम चल रहा है, पार्क बनेगी, कब पार्क बनेगी कब पता नहीं। ये क्या कर रहे हैं बच्चे दीदी? मैं सोची भैया ये फोन चला रहे, क्या चला रहे? फोन किसका लेके आए? पापा का? ये अब दीदी बना रही है खाना, पराठे। और दीदी भिंडी मैंने बनाई, भिंडी दीदी ने बनाई, दीदी के पराठे बने। भाई साहब गए हैं, लाइट आई ना, सब ऐसे पड़ो काम, साफ करो ना। बैस वाला क्या? अच्छा वो सामने वाला साफ किया होगा, अच्छा हो गया। और विशेष कहाँ गए? और भाई भैया दीदी सबका काम ऐसे ही पड़ा है, लाइट की वजह से रुक जाता है काम। ये देखो सबका काम, बच्चे लोग मोबाइल चला रहे हैं, ये देख रहे हैं। हाँ ठीक है, ये पागलपंती करती रहा करो। दीदी का अंधेरे में हो जाता, मेरे में तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। दीदी ने किया साफ, दीदी की रसोई मैंने दिखाई थी आप लोगों को, दीदी का घर ऐसे दिखता है, अच्छा है। ये यहाँ पे ये बैठक आप लोग बोल रहे थे कैसा, भैया है नहीं तो इस वजह से मैं, ये बैठक ऐसे दिखता है। और मेन चीज़ है यहाँ से रसोई दिख जाएगी, रसोई मैंने बोला ना दीदी, यहाँ ये रसोई है, यहाँ से बातचीत कर लो और काफ़ी अच्छी है। आप लोग बोल रहे हैं ना घर दिखाना, फिर इस तरीके से टाइल लगवाई है, ये पूरी बैठक है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। और दीदी ने किया, भैया ना यहाँ सोते, यहाँ पे सोते बाहर, और दीदी ने किया ये वाला घर साफ, भैंसों को पानी पिला दिया। और दीदी का आप लोग बोल रहे थे यहाँ पे बाथरूम वगैरह बनाए हैं हम लोगों के, वो चूल्हा ख़राब है, और यहाँ पे मशीन है, आप लोग बोल रहे थे घर दिखाना, ये दीदी ने सारा क्लीन किया। ये भैंसों का है, ये देखो इस तरीके से है, आधे में पट्टियाँ बिछ रही हैं, आधे में नहीं बिछ रही हैं। वो वाला बाथरूम है, वो सरकार की तरफ से नहीं बनते वो वाले, वो बाथरूम है, वो टॉयलेट। और यहाँ से दीदी का घर देखो, मतलब मैं बोलती हूँ ना हम लोग बाहर नहीं जाते, बाहर नहीं जाते, ही देखो ये घर है हमारा, एक ये घर है हमारा, और दूसरा दिखाती हूँ। और यहाँ से हमारी भैंसें दिखती हैं, यहाँ पे भैंसे बहुत भैंसे। क्या? और यहाँ से हमारा दिखता ये है, और मेरा मेरा उधर से दिखता है, गेट नहीं है, पता नहीं कौन बैठे हैं। चलो तो देखा दीदी का घर, और दी यहाँ से हम लोगों का, और अंदर दीदी की ये बैठक हो जाएगी, और दीदी का ऐसा यहाँ, इसमें दीदी अपना गेहूँ, इसमें ये गेहूँ रखे हैं, आप लोग बोले दिखाना, ये आलू रखे हैं, इसमें गेहूँ है, ये भरी है, और ये है हम लोगों के भी हैं, ये हैं गेहूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें जितना, अब ऐसे मत बोलना कितना वो कर रही हूँ, ये आप लोगों ने बोला घर दिखा दो, इसलिए इसमें गेहूँ है, इसमें और इसमें वैसे, और लहसुन हमारा घर का होता है ये रहा, ये देखो इस तरीके से, इसमें एक्स्ट्रा सामान रहता है।
और एक उस वाले मेरे रूम में दिखाती हूँ। लाली रोटी खा रही है लाली रोटी खा रही है और दिखाती हूँ। और ये है, ये मंदिर वाला कमरा है, पंखा लगा है इसमें भी, मतलब ये दीदी का बेडरूम ऐसे समझ लो। और इसमें गेहूँ है, एक ये रहा कमरा और ये रे गेहूँ, ये है गेहूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. अब आप लोग अगर मैंने गलत गिनी हूँ ना तो आप लोग गिनके बताना ही कितनी बोरियाँ हैं। देखो, और ये मेरी शादी की अलमारी है जो कबाड़ा हो गई है, यहाँ से देखो, तो ये भी बहुत बड़ा रूम है। ये देखो, इसका कर देते गेट बंद। और ये मेरा कमरा है, ये टीवी रखी, ये वाला मेरा कमरा है। मेरे कमरे में कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि अंधेरा हो रखा है इस वजह से। और ये सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ हैं, छत भी बहुत, छत तो मैंने दिखाई है। और ये रस पिन खुल गया, ये दीदी की रसोई है, दीदी की नॉर्मल है, लगवा लेंगे इनका काम चलेगा तो। इस तरफ ये फ्रिज वगैरह, पर फ्रिज कमरे में क्योंकि यहाँ पे लाइट की है, दीदी बाहर ही खाना बनाती हैं। ये देखा, चलो चले तो बाहर इस तरीके से बैठना उठना। और ये ऊपर है जो हवा वगैरह आना, रोशन नहीं रहे तो अच्छी लगती। चलो, बहुत सारी बातें होगी, इस वीडियो को दीजिए इजाज़त और मैं अगले वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, परिवार का ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बाय।